व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग माय हीरो एकेडमिया के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 4 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रो के बाद। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि टोकोयामी ने एक बार हॉक्स से पूछा था, हॉक्स तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तुम बहुत ज़्यादा फास्ट हो और जो न्यू जनरेशन के हीरोज़ है उनमें से तुम टॉप में आते हो, क्या तुम्हारा कोई वीकनेस है? तो जो हॉक्स था उसने कहा था कि मेरा वीकनेस बोले तो वो है फायर, क्योंकि जो फायर है वो मेरे पंख को जला सकता है। तो जो टोकोयामी है उसने पूछा था कि तो तुम तुम्हारे वीकनेस को कैसे काउंटर करोगे? तो जो हॉक्स है उसने कहा था कि मेरे एनिमी मेरे को मारने से पहले मैं अपने एनिमी को मार दूंगा, ऐसे ही मैं काउंटर करना चाहता हूँ। और उसके बाद हम लोग देखते कि इस एनिमे का ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट होता है। ओपनिंग सॉन्ग के खत्म होने के बाद हम लोग दाबी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो दाबी है वो हॉक्स को बहुत ज्यादा पेल रहा है। हम लोग देखते हैं कि जो हॉक्स है उसके लगभग सारे के सारे पंख जल चुके हैं। तो जो दाबी है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, तूने ट्वाइस को मार दिया, तू कैसे मार सकता है, तू अपने आप को हीरो कैसे बुला सकता है? और उसके बाद जो हॉक्स है वो कहता है कि तेरे को देख के नहीं लगता कि तेरा दोस्त मरा हुआ है, तू तो अभी रो भी नहीं रहा। जो दाबी है वो कहता है कि मेरा जो रोना था, मेरा जो आंसू था वो भी सूख गया है, क्योंकि मेरा जो आग है उससे मैं अपने एनिमी को मारने वाला हूँ। अगर ट्वाइस अभी जिंदा होता तो मेरा जो सपना है वो बहुत ही जल्दी पूरा होता। तो उसके बाद जो हॉक्स है वो सोचता है कि इसको मेरा असली नाम कैसे पता चला, मैं जब बहुत छोटा था तभी मैंने अपने असली नाम को पीछे छोड़ दिया था, उसको कभी यूज़ भी नहीं किया था, लेकिन इसको पता है। और उसके बाद जो हॉक्स है वो कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर और शिगोराकी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, लेकिन तुम लोगों का पास्ट हिस्ट्री मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला, तुम लोग हो कौन? और उसके बाद हम लोग देखते कि जो दाबी है वो कुछ कहता है लेकिन हम लोगों को नहीं सुनाया जाता, ऑडियंस को कुछ भी नहीं बताया जाता। लेकिन जो हॉक्स है जब वो उसका रिप्लाई सुनता है उसके आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं, उसको देख के ऐसा लगता है कि उसे बहुत बड़ा शॉक लगा है। और उसके बाद जो दाबी है वो कहता है कि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता शिगोराकी से, ना तो लीग ऑफ विलेन से, ना तो लिबरेशन आर्मी से, लेकिन तुम्हें सबसे पहले सबसे ज्यादा जिसके ऊपर नजर रखना चाहिए था वो था मैं, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा निग्लेक्ट किया हॉक्स, अब तुम मरने वाले हो, क्योंकि मैं हूं स्टेन का बिलीवर। इस दुनिया में असली हीरो नाम का कोई भी हीरो नहीं है, ये सारे के सारे फेक हीरोज है और सारे के सारे फेक हीरोज को मैं मारूंगा अपने हाथों से। और उसके बाद हम लोगों को स्टेन को दिखाया जाता है जो कि एक हीरो किलर था, वो एपिसोड भी बहुत ज्यादा मस्त थे। और उसके बाद जो दाबी है वो कहता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता हॉक्स तू जिंदा रहे या फिर मरे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो दाबी है वो अपने फायर पावर से एक बहुत ही बड़ा अटैक करता है उसके ऊपर, और ये वाला सीन वहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग प्रो हीरो क्रस्ट को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो एक नोमो को पकड़ के रखा हुआ है और जो नोमो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसका रीजनरेशन एबिलिटी भी बहुत ज्यादा फास्ट है, इसलिए जो क्रास्ट है वो अकेले उसको खत्म नहीं कर पा रहा है। हम लोग देखते हैं कि वहां पर इंडेवर आ जाता है और उसके पीछे पीछे आइजावा भी आता है। आइजावा अपने पावर से, अपने कॉर्क से वो जो रीजनरेशन वाला नोमो है उसका रीजनरेशन एबिलिटी खत्म कर देता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्रास्ट और बाकी के लोग उसको पकड़ते हैं और जो क्रास्ट है वो कहता है कि इंडेवर तुम वहां पर जाओ और जाके मिर्को का हेल्प करो। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो प्रो हीरो मिर्को है जिसका कॉर्क है रैबिट, वो अकेले बहुत सारे हाई एंड नोमो के साथ फाइट कर रही है और वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो मिर्को है वो एक भी हिट नहीं कर पा रही एक भी नोमो को। तो जो मिर्को है वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि मेरा जो पावर है वो खत्म हो रहा है या फिर मैं वीक हो गया हूँ या फिर एग्जॉस्टेड हो गया हूँ, ये नहीं है, लेकिन जो ये हाई एंड नोमो है इन लोगों ने अपने आप को अवेकन कर लिया है, उन लोगों का जो कॉर्क है वो एक्टिवेट हो गया है। और उसके बाद जो मिर्को है वो कहती है कि मैं इन लोगों के साथ फाइट नहीं कर सकती, वो कहती है कि मुझे जल्द से जल्द उस डॉक्टर शिगोराकी को मारना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि वो दौड़ती है डॉक्टर के पास जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो हाई एंड नोमोज है वो पीछे से मिर्को को पकड़ लेती है, उसके पैर में, उसके सर में, उसके बाल पे। हम लोग देखते हैं कि जो मिर्को है वो बहुत ही जोरदार कोशिश करती है और वो चिल्ला के कहती है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर रोक नहीं पाओगे। हम लोग देखते हैं कि जो प्रो हीरो मिर्को है वो अपना पूरा दम लगाती है और बाहर से जबरदस्ती निकल जाती है। हम लोग देखते हैं कि उसके जो बाल है वो टूट जाते हैं, उसके पैर में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। और उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि जो
मुइर को है, वो अपनी पूरी दम लगा के वहाँ से दौड़ती है और कहती है कि मरने से पहले अपने गोल को मुझे अचीव करना ही पड़ेगा, शिगोराकी और उस डॉक्टर को मुझे मारना ही पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि वो अपनी पूरी ताकत लगा के उस होल से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद वो सीधा जाती है शिगोराकी के पास और उसके जो वहाँ पर जो ट्यूब रखा हुआ है उसके ऊपर वार करने के लिए। और मीरको को देखने के बाद जो डॉक्टर है उसे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। हम लोग देखते हैं कि पीछे से एक नोमू अटैक करती है मीरको के ऊपर। हम लोग देखते हैं कि वो अपने टेंटिकल से जो मीरको है उसको पकड़ लेता है और जो मीरको है वहाँ पर अटक जाती है, उसके पैर में, उसके सर में, उसके कंधे के साइड में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और उसके बाद वो कहती है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती, मुझे शिगोराकी को ख़त्म करना ही पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंडेवर आ जाता है और एंडेवर आने के बाद उस नोमू के ऊपर हमला करता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मीरको है वो वहाँ से निकल जाती है और सीधा जाके शिगोराकी के ऊपर वार करने वाली है। और वो कहती है कि मेरा जो रैबिट इंस्टिंक्ट है उससे मुझे ये समझ में आ रहा है इस ट्यूब के अंदर जो शिगोराकी है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर वो वहाँ से बाहर निकल गया तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो प्रो हीरो मीरको है वो एक बहुत ही तगड़ा किक करती है उस ट्यूब के ऊपर, लेकिन जो ट्यूब है उसमें थोड़ा सा क्रैक होता है लेकिन पूरी तरीके से टूटता नहीं है। और उसके अगले ही सीन में हम लोग आइजावा और बाकी के हीरोज़ को देखते हैं और बाकी के नोमूस के देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग कुछ नोमूस के साथ फाइट कर रहे हैं, सारे के सारे हाई एंड नोमूस है, लेकिन वहाँ पर एक हाई एंड नोमू है जिसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज चलता है और वो थोड़ी देर में ये समझ में आ जाता है उस नोमू को कि ये जो कॉर्क डिसेबल वाला एबिलिटी है वो आइजावा के पास है। आइजावा के आँखों के सामने से अगर वो दूर रह पाया तो वो आइजावा के कॉर्क डिसेबल एबिलिटी से दूर रह पाएगा, ये समझने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंडेवर ने जिस नोमू को मारा था वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है और उसके थोड़ी देर बाद ही उसका जो रीअवेकन एबिलिटी है वो वापस आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो अपने टेंटिकल से मीरको के ऊपर फिर से हमला करता है और जो मीरको के हाथ है और पैर में उसमें उसका टेंटिकल घुसा देता है। हम लोग देखते हैं कि मीरको को वो खींच लेता है, लेकिन उसके बाद भी जो मीरको है वो हार नहीं मानती और वो कहती है कि लूना फॉल और उससे एक बहुत ही तगड़ा किक करती है उस ट्यूब के ऊपर। हम लोग देखते हैं कि जो ट्यूब है वो टूट जाता है। हम लोग देखते हैं कि मीरको को खींच के वो एंडेवर के ऊपर दे मारता है और जो एंडेवर है वो मीरको को पकड़ने के बाद बहुत दूर जाके गिरता है। और उसके बाद वो देखता है कि जो मीरको है उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके हाथ से उसके पैर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। तो जो एंडेवर है वो कहता है कि मैं तुमको बहुत बड़ा फेवर वो करता हूँ, तुम मरना मत, मैं तुम्हारे खून को रोकने की कोशिश करता हूँ। और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग आइजावा और बाकी के हीरोज़ को देखते हैं। जो आइजावा है वो कहता है कि अभी भी रीइन्फोर्समेंट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन असली बात तो ये है कि तब तक ये जो मीरको है वो अपने आप को ज़िंदा रख पाएगी या फिर नहीं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आइजावा और बाकी के जो हीरोज़ है वो लोग भी बहुत सारे नोमू के साथ फाइट कर रहे हैं और हम लोग देखते हैं कि जो एक स्पेशल नोमू था जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता था, हम लोग देखते हैं कि वो एंडेवर के पास चला जाता है एंडेवर के ऊपर हमला करने के लिए। और उसके अगले सीन में हम लोग आइजावा को देखते हैं। जो आइजावा है वो कहता है कि मैं उन लोगों का मदद करने नहीं जा सकता। तो जो आइजावा है वो माइक और एक और हीरो को भेजता है वहाँ पर एंडेवर और मीरको का मदद करने के लिए। हम लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, यहाँ पर आइजावा और जो क्रास्ट है वो दोनों रह जाते हैं बाकी के सारे नोमू के साथ फाइट करने के लिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो माइक है वो दौड़ते हुए उस डॉक्टर के पास चला जाता है और हम लोग डॉक्टर को देखते हैं। जो डॉक्टर है वो उस कंप्यूटर को फिक्स करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैंने डाटा को सिक्योर कर लिया शिगोराकी, अभी तुम जाग जाओ। और वो एक स्विच दबाता है, लेकिन उसके बाद भी शिगोराकी नहीं जागता। हम लोग देखते हैं कि जो कैप्सूल है वो मीरको के लात की वजह से बहुत ज़्यादा टूट चुका है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं टूटा है। वहाँ पर माइक आ जाता है, माइक अपने कॉर्क से बहुत ही तगड़ा एक अटैक करता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो शिगोराकी है उसका जो ट्यूब है वो टूट के बाहर निकल जाता है और जो वहाँ पर डॉक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग देखते हैं कि माइक वहाँ पर जाता है और उस डॉक्टर को एक तगड़ा पंच करता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक्सलेंस आ जाता है, आने के बाद शिगोराकी को चेकअप करने के बाद कहता है कि इसका जो हार्ट है वो रुका हुआ है, उसका हार्ट नहीं चल रहा, मतलब वो शायद मरा हुआ है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो माइक है वो उस डॉक्टर को लेके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब माइक डॉक्टर को वहाँ से ले जा रहा था, जो डॉक्टर है वो रोते रोते बहुत सारी बात करता है, उसमें वो एक चीज़ रिवील करता है, कहता है कि मेरा जो कॉर्क है उससे मैं डबल जी सकता हूँ, एक नॉर्मल इंसान जितना जी सकता है उससे डबल लाइफ स्पैन है मेरा, लेकिन मैंने अपना असली कॉर्क ऑल फॉर वन को दे दिया था। वैसे ही ऑल फॉर वन का जो असली कॉर्क है उसने उसे शिगोराकी को दे दिया था, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि हम लोगों का ड्रीम वो पूरा करे, अब तो लगता है वो जगेगा ही नहीं। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग शिगोराकी के ड्रीम को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो अपने फैमिली फ्रेंड सब लोगों को देख रहे हैं, लेकिन वो अपने फैमिली फ्रेंड सारे के सारे लोगों को, सारे के सारे रिलेटिव को अबेंडन कर देता है और वो अच्छाई को छोड़ के बुराई के रास्ते पे चलना स्टार्ट कर देता है। और उसके अगले सीन में हम लोग रियल टाइम
टाइम पे शिगुराकी को देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि उसका हार्ट बीट फिर से चालू हो जाता है और वो नींद से जग जाता है। भाई अगली एपिसोड में धुआंधार फाइट होगा, लेकिन ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।